मनाली बाइकर्स एसोसिएशन कुल्लू मनाली में पर्यटकों को बेहतरीन सेवाएं देने का प्रयास करेगी। घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव ठाकुर ने यह बात कही। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम 1997 और रेंट स्कीम 1979 को हरी झंडी देने से प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान हुए हैं। उन्होंने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, परिवहन मंत्री जीएस बाली, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हरिचंद शर्मा सहित सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों व लोगों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यूनियन के सभी सदस्यों के प्रयत्न व मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम मनाली से मिलेगा और रेंट ए और मोटरसाइकिल स्कीम को सही ढंग से धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि जिन लोगों ने पर्यटन विभाग से अपनी ट्रैवल एजेंसी पंजीकृत करवाई है और जिनके पास हिमाचली प्रमाण पत्र है, वे यूनियन के सदस्य बने ताकि सभी के साथ मिलकर पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का खाका तैयार किया जा सके। आपने हमको टाइम दिया और हम लोग मोटरसाइकिल एसोसिएशन, मनाली बाइकर्स एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं और कई लोगों को जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि अब फाइनली 6-7 साल की मेहनत के बाद रेंट मोटरसाइकिल स्कीम हिमाचल में लागू हो गई है। तो स्पेशली इस अवसर पर महासचिव अनुराग सूद, सहसचिव चुन्नीलाल, सलाहकार रामकृष्ण, कर्ण ठाकुर, पृथ्वीराज, बलवीर सिंह, कोषाध्यक्ष अनुप राम शामिल रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।